क्या बोला था तेरे घर वालों ने? लड़का कुछ कमाता नहीं है, राइट? अरे डार्लिंग आंखें फाड़ के देख, जनता का प्यार कमा रहा है लड़का। Let's go! सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी ओल्ड सॉन्ग के साथ डायलॉग्स के साथ आपको स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूँ डीजे सॉन्ग के साथ। आज के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ये हिंदी जो डीजे सॉन्ग है इससे रिलेटेड स्टेटस आपको मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी दिन से चैनल पर वीडियोज़ थोड़ी डिसमिस टाइप की आ रही है, वीडियो टाइम पर नहीं आ रही क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा था और फाइनली वो सारा काम कंप्लीट हो चुका था। रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको दिन में, मैं कोशिश करूँगा कि दो दो वीडियोज़ अपलोड करने की। तो जो भी अगर आपको हिंदी गाना है, डीजे गाना है, कोई गाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं उस पर स्टेटस एडिट करना आपको सिखा दूंगा। तो कैसे क्या एडिट करेंगे, इस तरह का स्टेटस आप अपनी फोटो को एडिट लगा कर इस तरह से स्टेटस को एडिट कर सकते हैं। तो आपका भाई बिल्कुल कंप्लीट आज के इस वीडियो में सिखाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जब भी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे घंटी को जरूर से दबा देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाएगी और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। यहां पर आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है अलाइट मोशन एप्लीकेशन को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और जो प्रोजेक्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आप वहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। बाकी जो फोटो मैंने यूज किए वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको सॉन्ग वेट का जो प्रोजेक्ट है वो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, तो आप इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर जो भी डायलॉग लिरिक्स आने वाली है वो मैंने पहले से डाल रखी है, तो आपको अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो फॉन्ट का यूज किया वो फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, आप उस फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना, ठीक है? और आपको एक बैकग्राउंड भी देने वाला हूँ, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे फर्स्ट में आप आ जाना है और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आपको एक लोगो ऐड करना होगा। प्लस पर क्लिक, मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन लोगो बना रखा है। तो आप कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल पर, इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो है, कल भी मैंने अपलोड की, आप पूरी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। आपको जो भी लोगो अच्छा लगता है उस वीडियो को देखकर आप लोगो एडिट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये वाला लोगो लेता हूँ मेरा। अगली बार बीट पे जाना है, यहाँ पर आपको फालतू लोगों को जो साइज है इसको हटा देना है। अब आपको यहाँ पर फोटो को ऐड करना होगा, तो एक और दो तीन फोटो को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी फोटो है आपको क्या करना है, फोटो को सिलेक्ट करना है। और आपको यह हाथ से भी आप इस तरीके से फुल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगली बार बीट पर चले जाएगी, यहाँ से ज़्यादा फोटो हटाना है, फोटो पर क्लिक करके आगे आ जाएगी। वापस प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और दूसरे फोटो को लेना है। थ्री लाइन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर फिल कंप्रेशन एरिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके अगली वाली बीट पर चले जाएंगे, यहाँ से जो ज़्यादा फोटो उसको हटा देंगे, फोटो पर क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, तीसरे फोटो को लेना है और थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिल कंप्रेशन एरिया करना है और मूव एंड ट्रांसफर फोटो को बिल्कुल सही से सेट कर सकते हैं। आगे आएंगे, अगली वाली बीट पर जाएंगे, ज़्यादा फोटो हटा देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना, लिरिक्स स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको आ जाना 1:19 पर। प्लस पे क्लिक करिए, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ पर मैं आपको एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना होगा। जो बैकग्राउंड कुछ आपको इस तरीके से आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, आपको इस बैकग्राउंड को थ्री लाइन पे क्लिक करके फिल कंप्रेशन एरिया करना है और मूव एंड ट्रांसफर करना है। यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन से इसको जूम कर लेना है बैकग्राउंड को। उसके बाद इस बैकग्राउंड को दबा कर रखना और इसको नीचे ले लेना है। यहाँ पर जो लिरिक्स है इस लिरिक्स के नीचे आप ले लेंगे तो लिरिक्स इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएगी। और अब इस बैकग्राउंड की साइज़ को आपको क्या करना है, जहाँ तक लिरिक्स है वहाँ तक रखना होगा। तो लिरिक्स हमारी यहाँ तक आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल करना है और बैकग्राउंड क्लियर नीचे, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक देना है तो बैकग्राउंड की साइज यहाँ तक हो जाएगी। जो लिरिक्स हमने डाल रखी है इसके अंदर आपको एक इफेक्ट डालना होगा, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आगे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक और दो, यहाँ पर आपको दो फोटो को ऐड कर लेना है। तो प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं दो फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो एक्ट्रेस की फोटो है मेरे पास ऐड करता हूँ, फोटो को सिलेक्ट करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फिल कंप्रेशन एरिया करना है। अगली बार बीट पर जाएंगे, ज़्यादा फोटो उठा देंगे, फोटो क्लिक करके आगे आ जाएंगे और दूसरे फोटो को भी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ
ओके वापस यहाँ पर लैरिक्स है। अब आपको वापस आ जाना है 12 सेकंड पर, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। अब आपको लास्ट तक फोटो को ही ऐड करना होगा, फोटो को सिलेक्ट करना है और इसको मैं हाथ से कर लेता हूँ फिल कंप्रेशन एरिया। अगली वाली बीट पे जाना, ज़्यादा फोटो हटा देंगे, फोटो क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरे फोटो को लेना है और इसको मैं फिल कंप्रेशन एरिया कर देता हूँ। अगली वाली बीट पे जाएंगे, ज़्यादा फोटो को हटा देंगे, फोटो क्लिक करके आगे आ जाएंगे। वापस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, दूसरे फोटो को सिलेक्ट करना है और इसको फिल कंप्रेशन एरिया करेंगे। अगली वाली बीट पे जाएंगे, ज़्यादा फोटो को हटा देंगे, मतलब सेम। अब आपको लास्ट तक सेम इसी तरीके से आपको सारे फोटो को ऐड कर लेना है। हर फोटो के साथ आपको बीट के हिसाब से रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं सारे फोटो को ऐड करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपको करना क्या, ताकि आपका और मेरा टाइम बच जाए। दोस्तों फाइनली यहाँ पर सारे फोटो को हमने कंप्लीट ऐड कर दिया है। आपको भी अपने सारे फोटो को कंप्लीट ऐड कर देना है। बीट के हिसाब से आपको हर फोटो के साइज को रख लेना है, इस चीज़ का भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, सारे फोटो ऐड होने के बाद इनमें आपको अलग अलग इफेक्ट को ऐड करना होगा। तो आप यहाँ से बाहर आएंगे, ओपन करेंगे सैग इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, चूंकि कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर यह रेप्टेंगल मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, ऊपर से बाहर आना है, बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है और आपको लैरिक्स लाइन पे आपको क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। जितने भी लैरिक्स हमने डाल रखे हैं आपको सेम इसी तरीके से जितने भी लैरिक्स हैं टोटल पर आपको इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। ओके मैं पेस्ट कर देता हूँ सभी लैरिक्स पर, जितने भी लैरिक्स हमने डाल रखी ना टोटल पर आप पेस्ट कर देंगे। ओके पेस्ट करने के बाद ऊपर से बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सैक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को और सबसे जो पहला फोटो इस पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बाहर आना है, ओपन करना है आपको बीट के प्रोजेक्ट को, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमने दो तीन फोटो को ऐड कर रखा था, तो फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट पे कर देना है। दूसरे फोटो पर भी क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट पे कर देना है और तीसरे फोटो पर भी क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट पे कर देना है। इस तरीके से तीनों फोटो में इफेक्ट पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद ऊपर से आप बाहर आ जाएंगे, ओपन करेंगे सैग इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, दूसरा आपको ये वाला फोटो मिलेगा जिस पर आप क्लिक करके इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और थ्री लाइन पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे, बाहर आएंगे और बीट के प्रोजेक्ट को ओपन कर देंगे जहां से आपकी लैरिक्स खत्म हो रही। लैरिक्स के बीच में हमने दो फोटो को ऐड किया था, यहां पर आपको आ जाना है और इन दोनों फोटो पर आपको इसी इफेक्ट को डाल देना है जिसको अभी हमने कॉपी किया। ओके इन दोनों फोटो पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल से बाहर आ जाना है, वापस ओपन करना है आपको सैग इफेक्ट के प्रोजेक्ट को, तीसरा आपको ये वाला फोटो मिलेगा जिस पर आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक ये वाला फोटो मिलेगा, तो इसको हम पहले यूज कर लेते हैं। ये जो फोटो आपको है इस फोटो तीसरा जो फोटो इस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको थ्री लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, ओपन करना है आपको बीट के प्रोजेक्ट को, उसके बाद जहाँ से आपकी लैरिक्स खत्म हो रही वहाँ पर आपको सिंपल से चले जाना है। तो लैरिक्स हमारी यहाँ से ख़त्म हो रही, तो यहाँ पर आपको आ जाना है और ये फोटो आने वाले हैं 12 सेकंड से। फोटो पर क्लिक ना, इफेक्ट पर क्लिक ना, यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दूसरे फोटो पर भी इफेक्ट को डाल देंगे, तीसरे फोटो पर भी इफेक्ट को डाल देंगे, कहाँ तक डालना है मैं आपको बता देता हूँ। चौथे फोटो पर भी डाल देंगे और पाँचवें फोटो पर भी आप इस इफेक्ट को डाल देंगे, छठे फोटो पर भी डाल देंगे, सातवां जो फोटो है इसको आपको छोड़ देना है। ओके उसके बाद छोड़ने के बाद आपको बाहर आ जाना है, ओपन करना है आपको सैक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। अब आपको ये वाला फोटो आपको मिल जाएगा, ये वाला फोटो इस पर क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको कॉपी इफेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर से बाहर आना है, बीट के प्रोजेक्ट को आपको ओपन कर देना है, जो फोटो हमने छोड़ दिया था जस्ट आपको वहाँ पर चले जाना है। ओके तो यहाँ तक हमने डाल दिया था इफेक्ट को, उसके बाद ये वाला फोटो छोड़ दिया था, इस वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओनली इस इफेक्ट का यूज सिर्फ आपको इसी फोटो में करना है और आपको 1737 से दूसरी इफेक्ट का यूज करना है। तो आपको यहाँ से सिंपल से बाहर आ जाना है, ओपन करना है आपको सैक इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। अब आपको ये वाला फोटो मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सॉरी ये वाला फोटो मिल जाएगा आपको रेड वाला, रेड इफेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट करना है। ऊपर से बाहर आएंगे, ओपन करेंगे बीट के प्रोजेक्ट को, अब आपको जस्ट वहाँ पर चले जाना है जो कि मैंने अभी आपको टाइम बताया था, तो वहाँ पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, इस पर हमने डाल दिया, तो यहाँ पर आपको आ जाना है सिंपल से 1737 पर। उसके बाद जो फोटो है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट पेट कर देना है। दूसरे फोटो पर भी इफेक्ट को डाल देंगे, तीसरे फोटो को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल बीट आ रही है, इस वाले फोटो को छोड़ देना है। उसके बाद चौथे फोटो पर डाल देना, इन तीनों फोटो पर डाल देंगे, उसके बाद इस वाले को छोड़ देना आगे वाले को, क्योंकि यहाँ पर वापस डबल बीट आ रही है। जिस जिस के फोटो के पास में डबल बीट आ रही है स्टार्ट में, उस वाले फोटो पर इफेक्ट को नहीं डालना है। तो हम तीनों पर डाल देते हैं, तीनों पर डालने के बाद चौथा जो फोटो इस पर डबल बीट है इसको छोड़ देना है। वापस यहाँ पर तीन फोटो है तो इन तीनों फोटो पर डाल देंगे, वापस तीनों फोटो के बाद वापस डबल बीट आएगी तो इसको आपको छोड़ देना है, इस वाले फोटो को छोड़ देना है। वापस तीन फोटो में डाल देंगे,
वापस इसको छोड़ देंगे, वापस लास्ट में तीन फोटो पर डाल देंगे और इस वाले फोटो को छोड़ देना है, और लास्ट में जो एक फोटो है इस पर आप वापस उसी इफेक्ट को आपको डाल देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो जो सिंगल फोटो है उस पर आप पेस्ट कर देंगे, जो डबल बीट के पास में जो फोटो है उस पर आपको इफेक्ट को पेस्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, ओपन करना है आपको सैकी हुए इफेक्ट के प्रोजेक्ट को। अब आपको ये वाला फोटो मिल जाएगा, इस फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट करना है, ऊपर से बाहर आएंगे, बीट के सॉन्ग बीट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है। उसके बाद जितने भी हमने डबल डबल बीट के फोटो को छोड़ दिया था, 1737 से आपको स्टार्ट पे आ जाना है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो इन दोनों पर डाल दिया, इस वाले फोटो को हमने छोड़ दिया था, इस वाले फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। जितने भी हमने डबल डबल बीट के पास में जो फोटो छोड़ दिए थे उन टोटल फोटो पर आपको इसी इफेक्ट को सिंपल से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ओके, एक यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद एक यहाँ पर लास्ट से पहले कर देता हूँ। ओके, करने के बाद आपका जो स्टेटस है पूरा कंप्लीट एडिट हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टेटस पूरी तरीके से कंप्लीट एडिट हो चुका है। सेटिंग के पास वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।